तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं ध्रुव राठी के ये वाली वीडियो और किस तरह से ध्रुव राठी ने बैंड बजा कर रख दिया है। आप पूरा वीडियो जरूर देखना और अपना कमेंट जरूर करना वीडियो में, वीडियो को लाइक करना और ओरिजिनल वीडियो का लिंक चैनल में मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को अरेस्ट किया था और ये सब लोग आज भी जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को एक साल से ऊपर होने को हो रहा है और सत्येंद्र जैन को तो दो साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई इन एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि दो साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला इस चीज का जो साबित कर पाए कि आम आदमी पार्टी या इनके मिनिस्टर्स ने कुछ गलत किया हो। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है, इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे कारण है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा, इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दिया। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसिडर किया जाता है, लेकिन पीएमएलए में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना साबित करो। इसी 2018 की अमेंडमेंट में ईडी को और ताकत भी दे दी गई थी। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपनी अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को, अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया, अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को चार लोगों की स्टेटमेंट्स के बल पर अरेस्ट किया ईडी ने। उनमें से एक इंसान है शरत चंद्र रेड्डी जो कि अरविंदो फार्मा कंपनी के हेड है। 9 नवंबर 2022 की बात है कि ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए इस एलेजिड लिकर स्कैम के केस में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस दिन वो केजरीवाल के फेवर में थी, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनके अरेस्ट होने के सिर्फ 5 दिन बाद इनकी कंपनी अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ये चीज हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को देख कर। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ये करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि इन्होंने 9 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी इस 6 महीने के पीरियड में, जो कि सारी स्टेटमेंट्स केजरीवाल के फेवर में थी। उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होने हैं, मैं 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को पूछ जाता है। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट जो देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। अगले ही महीने मई 2023 को ईडी इन्हें बेल दे देती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं इस केस में। और बेल मिलने के करीब 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन करती है बीजेपी को। अब देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा हमें बताता है कि टोटल में इनकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस की बॉन्ड्स खरीदी थी, जिनमें से 2/3 करीब 34 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गई, 15 करोड़ बीआरएस के पास और 2.5 करोड़ टीडीपी के पास। यही कारण कि आतिशी ने कहा कि इस अलेजिड लिकर स्कैम का जो मनी ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास जाता है। ये है मनी ट्रेल, शरत चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। जो बाकी 3 लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट्स की वजह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, उनकी कहानियों में भी ऐसी ही क्रोनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। शायद यही कारण कि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक समन्स मिस किए जा रहे थे ईडी के और उन्होंने ईडी के इन सारे समन्स को इलीगल ठहराया। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। एक 8 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस केस की जब अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे, अगर आप वो सुनना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है,
पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। कांग्रेस पार्टी को यह अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है और ये कोशिश भी कई महीनों से जारी है। पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब डिफेमेशन केस किया गया जिसके जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करी गई थी। इस केस की मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात करी थी जिसमें सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई राहुल। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफी ज्यादा कुछ सीखे होंगे और नॉलेज हुआ होगा। तो दोस्तों आपको जरा सा भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना।